मैं हूँ रियाजुल्ला और आप लोग देख रहे हो पीके टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नू के अरे मॉड्यूल की VWR वैल्यू, RTWP वैल्यू और RSSI को पॉइंट करने का तरीका सीखेंगे इनशाला। अगर आपके पास सेट पर नू के अरे मॉड्यूल इंस्टॉल हो, एग्जाम्पल के तौर पर APEX JB हो गया, APEX CD या APRGU हो गया, इसके अलावा ARDB एरिया आरगा और आर का मतलब जो भी नू के अरे मॉड्यूल इंस्टॉल हो और आपको VWR वैल्यू पॉइंट करने का तरीका नहीं मालूम, इसके अलावा आपको RTWP वैल्यू और RSSI पॉइंट करने का तरीका नहीं मालूम, तो इस वीडियो को आप विदाउट स्किप कंप्लीट देख ले, आपको काफी हेल्प दे सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको नोकिया APSMF अपग्रेड करना या नोकिया APSMF में ECF फाइल अपलोड करना और नोकिया APPH की कंफिगुरेशन करना वगैरह और भी नोकिया इक्विपमेंट का बेसिक ट्रेनिंग अगर नहीं मालूम, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके नोकिया का बेसिक ट्रेनिंग देख सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं और इसी वीडियो के क्वेश्चन सीख लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, VSWR वैल्यू, RTWP वैल्यूज और RSSI को पॉइंट करने के लिए आपने इस डायग्नोस्टिक पर क्लिक करना है, इंटीनल एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आर मोड सारे खुल जाएंगे, आपके सेट पर कितने आर मॉड्यूल इंस्टॉल है, आर मोड 1 पर क्लिक करना है, के नीचे एंटीना 1 सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, आर मोड 2 पर क्लिक करना है मतलब एरिया, नीचे एंटीना 1 इंटू 2 सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, आर मोड 3 पर क्लिक करना है इसका जो आरगा है, इसके अलावा आर मोड 4 पर क्लिक करना, जितने भी आर मॉड्यूल इंस्टॉल हो आपने सारे आर मोड पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद इसका जो VSWR वैल्यू प्रोसेस है, RTWP वैल्यूज और RSSI वैल्यू जो प्रोसेस है वो सारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसका थोड़ा सा वेट करना है जब तक इसके सही तरीके से VSWR वैल्यू, RTWP और RSSI जब तक ना निकल आए, आपने इसका वेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सामने देख सकते हैं VSWR की वैल्यूज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शो हो रही। इसको आप स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, नीचे RTWP वैल्यूज है और इसके बाद फिर RTWP WCD में है, इसके बाद RSSI है सबसे आखिर में, ठीक है। ये हर 10 सेकंड बाद अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपने स्टॉप पर क्लिक करना है, जब सारे वैल्यूज कंप्लीट हो जाए आपने स्टॉप पर क्लिक करना है। फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो आप एक्सेल शीट में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पावर पॉइंट में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप स्क्रोल डाउन करें, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस विंडो को, ताकि एक विंडो में सारा आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकालने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं स्क्रीनशॉट निकालने का तरीका भी डाल दूंगा, उधर से आप सीख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट किस तरह लेते हैं। RSSI वैल्यूज है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा कि हम किस तरह VSWR वैल्यू पॉइंट करते हैं, हम किस तरह RTWP वैल्यू पॉइंट करते हैं, हम किस तरह RSSI पॉइंट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पीके टेलीकम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि और जितने भी वीडियोज में अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।